નમસ્કાર, સમાચારો સાથે હું છું વિધિવાદ. સૌથી મહત્વના સમાચારની, બેંક ગોટાળા બાદ વિદેશમાં ફરાર થઈ ગયેલા નીરવ મોદી ફરતે, હવે ઈડીનો ગાળિયો વધુ કસાયો છે. મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડાયરેક્ટોરેટે નીરવના ન્યુયોર્કમાં આવેલી 29.99 મિલિયન US ડોલરની બે પ્રોપર્ટીને ટાંચમાં લીધી છે. આ સંપત્તિનું ભારતીય મૂલ્ય 216 કરોડ રૂપિયા થવા જાય છે. નીરવ મોદી સામે કરવામાં આવેલી અત્યાર સુધીની કાર્યવાહીમાં કુલ 637 કરોડની સંપત્તિ ઈડી દ્વારા ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. વધુ જાણકારી મેળવવી અમારા સંવાદદાતા રજનીશ રંજન પાસેથી. રજનીશ, ઈડી કી ઓર સે બડી મહત્વપૂર્ણ કાર્યવાહી ક્યા ક્યા હૈ, ક્યા કાર્યવાહી હુઈ હૈ ઈડી કી ઓર સે અભી? देखिए, दुनिया के चार देशों में प्रवर्तन निदेशालय ने नीरव मोदी की जो अचल संपत्तियां हैं और खासतौर पर जो बेहिसाब प्रॉपर्टी उसने खरीदी थी, जमा की थी, उसको अटैच किया है. और ये चार देश हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, हांगकांग और स्विट्जरलैंड. इन चार देशों में उसकी संपत्तियों को कुर्क किया है प्रवर्तन निदेशालय ने, और लगभग 637 करोड़ की ये संपत्ति बताई जा रही है. हालांकि आधिकारिक जानकारी, जो आधिकारिक आंकड़ा है, वो प्रवर्तन निदेशालय की से नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह कहा जा रहा है कि लगभग 650 करोड़ की ये संपत्तियां हैं जो ईडी ने जब्त कर ली है, इसको अटैच कर लिया है. और लगभग 24 करोड़ कीमत की हीरा, जो डायमंड की ज्वेलरी थी, उसको भी भारत लाया जा रहा है. तो एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं कि बहुत बड़ी ये अटैचमेंट किया गया है नीरव मोदी की प्रॉपर्टीज को. और बड़ी बात यह है कि भारत में जो जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो और सीबीआई हो, भारत सरकार ने उनको ये आजादी दी है एक तरह से कि दुनिया के किसी भी देश में वो चाहें तो नीरव मोदी की संपत्ति की जांच कर सकते हैं. और दुनिया के उन देशों में जहां नीरव मोदी का एक तरह से आना जाना रहा है या जहां पर उसने अपनी संपत्तियां जमा की हैं, उन देशों के साथ भी लगातार भारत की जांच एजेंसियां संपर्क में है. और जो भी इनपुट, जो भी जानकारी वहां से मिल रही है, उसके आधार पर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है. पहले भी हमने देखा है कि मॉरिशस में भी उसकी कुछ संपत्तियों को जब्त किया गया था. और भी दुनिया के कई देशों में लगातार जहां जहां उसने संपत्तियां जमा की है, वहां से इसी तरह की जानकारी सामने आई है. चूंकि बहुत बड़ी धनराशि का घोटाला उसने किया था, सार्वजनिक उपक्रम के बैंक से जो रुपए उसने लिए थे वो लौटाने की स्थिति में वो नहीं था, और इसी वजह से देश से भागा. लेकिन अब प्रवर्तन निदेशालय को, सीबीआई को और जांच एजेंसियों को लगता है कि इसी तरीके से उसकी संपत्तियां जब्त करके कहीं ना कहीं भरपाई करने की कोशिश की जा सकती है. और उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बड़ा कदम, एक बड़ी कोशिश ईडी की ओर से की गई. बिल्कुल रजनीश, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए. तो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट तरफ थी महत्वपूर्ण कार्यवाही. अत्यार सुधी कुल 637 करोड़ की संपत्ति टांचमां लेवामां आवी छे. अत्यारे जे विगतो मळी रही छे ते अनुसार 216 करोड़ की संपत्ति ईडीए हाल टांचमां लीधी छे. महत्वपूर्ण कार्यवाही हवे नीरव मोदी पर थवा जई रही छे. भागेडू नीरव मोदी पर हवे ईडी द्वारा गाळ्यो वधु कसायो छे.